स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन आणिबा तथा एही क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्तार प्रयोग करी एक नूतन संचार सृष्टि लक्ष्य रे दुई प्रमुख जातीय अनुष्ठान एम्स भुवनेश्वर एवं आईआईटी भुवनेश्वर मध्ये बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होईछि। राज्यरे प्रथम करी दुई प्रमुख अनुष्ठान मध्ये गतकाली होइतिबा एही बुझामणा फळरे स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में प्रजुक्ति विद्यार सम्मिश्रण घटिब। एहा स्वास्थ्य सेवा को एक नूतन दिशा देवा सहित विभिन्न क्षेत्र में गवेषणा और पाठ्यक्रम को प्रोत्साहित करिब। साधारण लोकंक हित पाई उभय अनुष्ठान रोगर त्वरित चिन्हट शीघ्र निराकरण कृत्रिम बुद्धिमत्तार प्रयोग एवं तथ्यर विश्लेषण जैव प्रौद्योगिक ज्ञानकौशल रोगर पूर्वानुमान कौशल सृष्टि डिजिटल स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र निमन्ते विभिन्न उपकरण विकास एवं एही क्षेत्र में उन्नत गवेषणा निमन्ते सहयोग करबाकु सहमत होईछन्ति। राज्य में प्रथम करी होइतिबा एपरि प्रयास जनस्वास्थ्य एवं रोगी चिकित्सा क्षेत्र में रहिथिबा विभिन्न आह्वान गुड़िकर समाधान पाई नूतन मार्ग प्रस्तुत करिब। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में अत्याधुनिक ज्ञानकौशल प्रयोग रोगर निराकरण एवं चिकित्सा रे बे सहायक हेबो बोली एम्स भुवनेश्वर कार्यनिर्वाही निर्देशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास प्रकाश करिछन्ति। जनसाधारण को उत्तम स्वास्थ्य सेवा जोगाइ देबा निमन्ते एपरी बुझामणा को मान्यवर केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविय सर्वदा उत्साहित करिथान्ति। सफलतार सहित एही एमओयू स्वाक्षरित हेबारे केन्द्र स्वास्थ्यमंत्री एवं केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधानक भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण तेणु उभय मंत्री को कृतज्ञता जणाइछन्ति डॉक्टर विश्वास। एपरि नियारा बुझामणारे खुशी पकड़ करने सहित आईआईटी भुवनेश्वर निर्देशक श्रीपद करमलकर कहते जे आईआईटी भुवनेश्वर एवं एम्स सामूहिक भाव संभाव्य पारस्परिक भागीदारी उपरे दृष्टि रखिछन्ति। एही दुईट अनुष्ठान मध्यरे होइतिबा बुझामणा राज्य तथा समग्र देश में सामाजिक प्रभाव वृद्धि करिब। एही अवसर में एम्स भुवनेश्वर स्टैंडिंग एकेडमी कमिटर अध्यक्ष प्रोफेसर जोगेश के चावला मेडिकल अधीक्षक डॉक्टर दिलीप कुमार परिडा सहयोगी डीन डॉक्टर भागीरथी द्विवेदी भेषज विभाग मुख्य डॉक्टर अनुपम दे भारप्राप्त डीडीए रश्मिरंजन सेठी आईआईटी भुवनेश्वर प्रोफेसर दिनाकर पासला पीके साहू ब्रह्मदेव एवं टी भी सत्यम प्रमुख उपस्थित थिले। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।